नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता जारीवाल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा दुलार देने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत ही कम दिनों ने आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। दीदी, सिस्टर, मैम सब बोलकर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने दिल की बात आप लोग मुझसे करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। ऐसे ही चैनल पे मोर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ और आप सबको अच्छा अच्छा नॉलेज शेयर करूँ और आप सबके परिवार का हिस्सा बन पाऊँ। अब तक हमने सारी सीरीज़ कंप्लीट कर चुकी है, ए से लेके वो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे आपके चाहने वाले, आपके करीबी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बॉस, कोई भी उस अक्षर का है, उस अल्फ़ाबेट का है, तो आप जाकर उस चैनल पर व्यू कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। नेम ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा आईने में उतार कर रख देता है आपके नाम से। तो आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोग। पी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। पी नाम के लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं पर उनकी ज़िंदगी हमेशा उलझी हुई रहती है। काम वो हमेशा परफेक्ट करते हैं, काम में आपकी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे, बट वो जो चाहते हैं कभी वो नहीं हो पाता, जो वो सोचते हैं उसको वो अंजाम नहीं दे पाते। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, उन्हें एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, उन्हें सुंदर लाइफ पार्टनर पसंद होते हैं, हैंडसम लाइफ पार्टनर उन्हें पसंद होते हैं, वो सबको साथ लेके चलना पसंद करते हैं, फैमिली में सबसे प्रिय होते हैं, बट कभी कभी सबके ऊपर अपने डिसीजन थोपते हैं तो इस वजह से वो थोड़े से लोगों के सामने रूड बन जाते हैं। अदरवाइज़ उनका नेचर बहुत फ्रेंकली होता है, बहुत ही लवेबल होता है, दिखने में खूबसूरत होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा है, मतलब अनलिमिटेड बोलते हैं, आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते, बट बातों बातों में वैसे भी चीज़ें बोल भी जाते हैं कि सामने वाले को हर्ट कर जाता है, फिर बाद में पछताते भी कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया। वो नेचर से फ्री होते हैं, मॉडर्न ख्याल के होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी दुनिया को मुट्ठी में कर लें। वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं बट ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक घर में हम 10 लोग होते हैं और 10 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। लाइक दिस, तो मैं उनको पर्सनली ये राय देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी राय किसी पे थोपे ना, सबको अपना ऑप्शन दे दे, जिसको जैसा लगे उन्हें करने दीजिए, किसी के लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। करियर पाथ में देखा जाए तो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, सोशल सर्विस काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, एक्टिव होते हैं, ग्रुपनिज्म में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप में वो लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें सबके साथ रहना अच्छा लगता है, बट ऐसा होता है कि उनके खिलाफ पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो वो मैं एडवाइस ये करूँगी ग्रुप में ना पड़े, काम से काम मतलब रखें, कम बोले कम रहें। हेल्थ इश्यूज़ के तौर पे अगर देखा जाए तो उनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, उनको थायराइड का इश्यूज़ होता है। अच्छे हेल्पर होते हैं, अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, बट बिना सोचे समझे एडवाइस देने का नतीजा थोड़ा उनको भारी पड़ता है, तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि ना सोचें। लव लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती, बहुत कम उनके लव अफेयर्स सक्सेसफुल होते हैं, हस्बैंड से उनकी बहुत ज़्यादा भी नहीं जमती तो कम भी नहीं पड़ती, क्योंकि हस्बैंड उनको कभी तारीफ़ नहीं करते कि तुमने ये चीज़ की, बढ़िया की, क्योंकि उनका वो लिखा ही वैसा है कि वो नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे इन चीज़ों में। एंड उनको मैं सलाह करूँगी कि पिंक कलर ज़्यादा पहने, ब्लू कलर ज़्यादा पहने, क्योंकि लकी होगा, लकी डे उनके लिए फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। कोशिश करें चुगलियाँ ना करें यहाँ वहाँ की, और उनके लिए विष्णु भगवान लकी रहेंगे। सो ये था हमारा आज पी नाम के लोगों के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।